हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनौत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनौत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनौत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनौत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में।
अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट
का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर टेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का टेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने
सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा।
भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा।
भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा।
भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा।
भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर
14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट कथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट कथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा।
भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है, वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा।
भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट गाथा। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्दी ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के
सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनावत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के
टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के सबसे काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को लगभग जला डाला था। कंगना रनौत की इमरजेंसी का ट्रेलर 14 अगस्त को आएगा। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्ययन और आपातकाल की विस्फोट का था। बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले ये फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। कंगना रनौत इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीती है। फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और से देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशक भी अभिनेत्री ने खुद ही किया है। कंगना के अलावा इस फिल्म में श्रेयस तड़पड़े, अनुपम खेर और मिलिंद सोमन भी दिखेंगे। कंगना को आखिरी बार तेजस में देखा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है इसकी घोषणा हो गई है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत राजनीतिक के साथ फिल्मों में भी सक्रिय है। वह जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। दर्शकों को अभिनेत्री की इस फिल्म का लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार है। दर्शक फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बेहद उत्साहित है। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्र दिवस के मौके पर 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर